शेर मादर चो चाय किसने बनाई ये सही हुआ चाय खत्म नहीं हो रही तो पापा जी बाजार के बाद प्रोड्यूसर की लाइन नहीं लगी लाइन नहीं बनी प्रोड्यूसर की लाइन वाइन तो नहीं लगी अरे तो बड़ी मुश्किल से रिलीज हुई लोग बोलते थे ये पिक्चर इतनी नहीं चलेगी सिल्वर जुबली होने के बाद ट्रायल होते थे ना ट्रायल होते थे पिक्चर बहुत बार जब चार पिक्चर देख के निकलते थे हाथ में आते थे बहुत अच्छी है खरीद को भी नहीं रहा था आज भी बहुत बाद में पिक्चर जो था एक आदमी दिल्ली में आया उसको उसने कहा कि पिक्चर मैं लेके जाता हूँ सस्ते में खरीदी तो मैं जुबली करूँगा जुबली की अच्छा सस्ते में नोबडी लाइक द पिक्चर एम एस सत्यु इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल इतना कैरेक्टर बड़ा ये वो बना दिया ये आजा शुरू ये स्टैब्लिश बहुत बाद में हुई ऐसी स्टैब्लिश हुई कि पाकिस्तान से आदमी आता है भी देखते और वो बोलता है मैं बोलता हूँ मैंने कभी कभी सिलसिला अरे छोड़िए कभी कभी सिलसिला दादा ये बहुत बाद में हुआ बेटा अच्छा। बहुत सहना पड़ा जब इस्मत चुगताई वगैरह से मिलते थे आप लोग इस्मत चुगताई शैलेंद्र ये लोगों से मिलते थे वो ग्रैंड रोड में काफी आदमी साहब रहते थे सरदार जाफरी रहते थे ग्रैंड रोड के अंदर एक पूरा फ्लैट था फ्लोर था जिसमें दो तीन घर थे जिसमें कैफी साहब शौकत रहते थे फिर इधर सामने सरदार जाफरी रहते थे एक और राइटर वहाँ मीटिंग हुआ रेड फ्लैग हॉल नाम था तो रेड फ्लैग हॉल में मीटिंग जब होती थी हर संडे को 4 बजे तो हम लोग बरसों मैंने वो मीटिंग अटेंड करना तो उसमें इस्मत चुगताई उसमें बड़े बड़े राइटर सब आते थे तो उस मीटिंग में होता क्या था कहानियाँ पढ़ी जाती थी मजमून पढ़े जाते थे कविता पढ़ी जाती थी गपशप होती थी चाय पीते थे अच्छा लेवल था बातों का कहानियों का मंडे की कहानियाँ चंद्र आते थे इसमें चौथाइयाँ आती थी ये सब लोग कहानियाँ पढ़ते थे शाहिर साहब भी आते थे हाँ शाहिर साहब भी हमारे मेंबर थे मंटो से मिले गए मंडो चले गए थे पाकिस्तान हुआ